सुष्मिता सेन अपने रिलेशनशिप को लेकर ट्रेंड और ट्रोल होती रहती है, और जब सुष्मिता सेन और आईपीएल के फाउंडर ललित मोदी ने कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर करके सबको हैरान कर दिया था, सुष्मिता सेन और ललित मोदी की इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जमकर ट्रोल भी किया गया था। सुष्मिता सेन को लोगों ने गोल्ड डिगर तक कह डाला था। इसको लेकर सुष्मिता सेन ने ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया था। अब इन सबके बीच आर्या 3 फेम एक्ट्रेस सुष्मिता का नया इंटरव्यू सामने आया है। इस इंटरव्यू में सुष्मिता ललित मोदी संग शादी को लेकर जो बात कह रही हैं, वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ENT लाइव को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल सुष्मिता सेन से हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान ललित मोदी को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा वो लाइफ का एक फेस था, उस समय मीम्स बड़े मजेदार आ रहे थे। उन्होंने आगे बताते हुए कहा, मुझे अगर उनसे शादी करनी होती तो मैं कर चुकी होती, मैं कोशिश नहीं करती, या तो करती हूँ या नहीं करती। इस बयान के बाद ट्रोलर्स को करारा जवाब मिल गया है। वहीं आपको बता दें, सुष्मिता सेन का नाम काफी लंबे समय से रोमन शॉल संग जुड़ता रहा है। रोमन शॉल और सुष्मिता सेन को कई इवेंट में साथ भी देखा गया, और सुष्मिता सेन और रोमन शॉल की कई रोमांटिक फोटोज भी जमकर वायरल होती रहती हैं। लेकिन अभी तक रोमन शॉल संग रिश्ते को लेकर सुष्मिता सेन ने कोई खुलासा नहीं किया है। सुष्मिता के ललित मोदी पर दिए गए बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।